Yes. Today's topic is Trachoma Free India. Yes, recently India has been officially declared free from trachoma by World Health Organization, which is WHO. Yes, you heard it right. It is officially declared that India is a trachoma free India now. But इसको फ्री डिक्लेयर करने के लिए वी हैव टू गिव एन डेडिकेटेड एफर्ट्स बाय द गवर्नमेंट टू प्रोटेक्ट द विजन ऑफ मिलियंस एंड एम्फसाइजिंग द इम्पॉर्टेंस ऑफ हेल्दी आईसाइट फॉर एवरी इंडिविजुअल. यस, एवरी इंडिविजुअल. इट इज ऑल्सो पार्ट ऑफ अवर राइट टू लाइफ अंडर आर्टिकल 21 ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन. यस. नाउ बिफोर हेडिंग टूवर्ड्स द बैकग्राउंड एंड हिस्ट्री ऑफ द टाइमलाइन ऑफ द ट्रांसमिशन ऑफ ट्रैकोमा, वी शुड नो वॉट एग्जैक्टली ट्रकोमा इज. क्या होता है ये ट्रकोमा, क्या है, क्यों इससे हम विजुअली इम्पेयर हो सकते हैं. पहले फर्स्ट पॉइंट, ट्रकोमा एक डिवास्टेटिंग आई डिजीज है विच इज कॉज्ड बाय इन्फेक्शन विद अ बैक्टीरियम कॉल्ड क्लैमाइडिया ट्रैकोमैटिसिस. रिपीट, क्लैमाइडिया ट्रैकोमैटिसिस. एंड दिस डिजीज इज हाईली कंटेगियस. हाईली कंटेगियस का मतलब क्या, इट कैन बी ट्रांसमिटेड फ्रॉम वन इंडिविजुअल टू अनदर इंडिविजुअल. और इसका प्राइमरी सोर्स ऑफ इन्फेक्शन क्या है, इट इज, इट गिव्स एन आई सिक्रीशन. आई सिक्रीशन होता है इन्फेक्टेड इंडिविजुअल को. एंड दिस आई सिक्रीशन कैन बी ट्रांसमिटेड थ्रू वेरियस सेवरल रूट टू अनदर इंडिविजुअल विच इज कॉजिंग इट्स कंटेगियस नेचर. अब इसका सेवरल रूट्स क्या है, क्लोज फिजिकल कॉन्टैक्ट such as playing, sharing of bed, mother to the offspring. Third, secondly, sharing of towels and personal items. Thirdly, house flies. And fourthly, coughing and sneezing in public without using any handcuff. Now, the treatment for the trachoma is basically an antibiotic. Antibiotics such as erythromycin and also topical tetracycline is which can be used to treat trachoma. And for severe infection, you have to go for surgery and also save the eyesight. Now let's discuss who are the most vulnerable to trachoma. Trachoma are most vulnerable to the children. Yes, you heard it right. The children who are suspected to have trachoma because they are low immunity and they are prone to infection and repeated infection. Now, children mein ye infection kyun zyada फैल जाता है. Why it spread in children? Because children experience repeated eye infections such as in winter season they experience conjunctivitis and this conjunctivity leads to scarring of the inner surface of upper eyelid. So inner surface है आपकी eye surface का, उसके upper eyelid में scarring हो जाती है. और ये scarring क्या करती है, it leads to a painful condition. इस painful condition को क्या कहते हैं, इस पेनफुल कंडीशन को ट्रैकोमाटोसिस ट्राइकासिस कहते हैं. इसका मतलब क्या है कि आपकी जो आईलिड है, आईलिड की जो मार्जिन है वो इनवर्डली टर्न हो जाती है और कॉज करती है आईलैशेस को. एंड दिस लीड्स टू कॉन्स्टेंट रबिंग ऑफ आईबॉल. एंड जब कॉन्स्टेंट रबिंग ऑफ आईबॉल किया तो दैट विल बी डेंजरस एंड इफ लेफ्ट अनट्रीटेड इट कैन कॉज टू विजुअल इम्पेयरमेंट. नाउ लेट्स डिस्कस द विक्ट्री अगेंस्ट इंडिया ट्रकोमा जर्नी. क्या हुआ था इन ड्यूरिंग 1950s एंड 1960s, ट्रकोमा वॉज अ सिग्निफिकेंट हेल्थ कंसर्न. यू माइट बी नोइंग देर वॉज अ प्रॉब्लम ऑफ पावर्टी, देर वॉज अ प्रॉब्लम ऑफ फूड स्कैसिटी, पुअर हाइजीन कंडीशन, लो लिटरेसी इन इंडिया, एंड दैट ऑल लीड टू सिग्निफिकेंट पब्लिक हेल्थ कंसर्न विच वॉज अ ट्रकोमा. वन ऑफ दैट वॉज ट्रकोमा. एंड दिस वॉज मेजरली कॉन्सेंट्रेटेड इन फ्यू नॉर्थ इंडियन स्टेट्स एंड फ्यू वेस्ट इंडियन स्टेट्स. दे आर गुजरात में था, राजस्थान में था, हरियाणा, उत्तर प्रदेश एंड ऑल्सो वन ऑफ द आइलैंड विच इज़ निकोबार. येस. एंड यू वोंट इमेजिन 50% ऑफ द पॉपुलेशन वेर इन्फेक्टेड बाई दिस डिजीज. बट एज द टाइम वेंट, इंडिया स्टार्टेड इट्स एफर्ट एंड इम्प्लीमेंटेड ए सीरियस मेजर टू इरेडिकेट दिस प्रॉब्लम. नाउ वी कैन ट्रेस इट्स बैकग्राउंड. लेट्स डिस्कस द टाइमलाइन एंड इट्स बैकग्राउंड ऑफ स्प्रेड इन इंडिया. अब let's start with 1971. During 1971, trachoma caused 5% of all blindness cases in India. 5% ka blindness cases hota tha. But fir humne progress laya. And in 2005, it reduced only to 4%. Matlab 1% ka decrease aaya tha. In 2017, only bas 0.7% ke beech mein ye prevalent tha. But
2018 में इट ड्रॉप टू 0.008%. एंड फाइनली टुडे वी आर स्टैंडिंग ट्रकोमा फ्री स्टेटस. अब वी डोंट हैव. एंड दिस मिशन वॉज ओनली पॉसिबल थ्रू वेरियस गवर्नमेंट प्रोग्राम्स. एंड द मेन गवर्नमेंट प्रोग्राम वॉज नेशनल प्रोग्राम फॉर कंट्रोल ऑफ ब्लाइंडनेस एंड विजुअल इम्पेयरमेंट. वॉट इज इट? नेशनल प्रोग्राम फॉर कंट्रोल ऑफ ब्लाइंडनेस एंड विजुअल इम्पेयरमेंट. इट वॉज एन एफर्ट विच वॉज अडॉप्टेड विद द हेल्प एंड एफर्ट ऑफ WHO सेफ स्ट्रैटेजी. एंड this progress and this initiative was not only to treat the existing cases that is existing in India but also to prevent the future infection and through hygiene practices. Ab government ke various initiatives kya kya the? What did government do? पहली बात तो गवर्नमेंट ने क्या किया, नेशनल ट्रकोमा कंट्रोल प्रोग्राम इनिशिएटिव स्टार्ट किया. उसमें क्या क्या इनिशिएटिव, दैट कॉम्प्रिहेंसिव इनिशिएटिव में क्या फोकस हुआ था? सर्जिकल ट्रीटमेंट हो रहा था जिससे कंटिन्यूस ट्रीटमेंट्स, कंटिन्यूस इन्फेक्शन की वजह से पेनफुल लीड होता था. वी डिस्कस अर्लियर दैट वॉज ट्रकोमाटोसिस ट्राइकासिस. यस, उसका सर्जिकल ट्रीटमेंट होना स्टार्ट हो गया. एंटीबायोटिक डिस्ट्रीब्यूशन होने लग गया. फेशियल क्लीनिंगनेस होने लग गया. प्रमोशन होने लग गया टू TV, हाइजीन्स एंड ऑल थिंग. फिर इन्वायरमेंटल इम्प्रूवमेंट आया. हमने वाटर सैनिटेशन और वेरियस अदर लाइन्स को इम्प्रूव करा. एंड थ्रू ऑल दिस वेरियस कंटिन्यूस एफर्ट्स इंडिया ने एक सिग्निफिकेंट स्ट्राइड अचीव किया थ्रू इरेडिकेटिंग ट्रकोमा. एंड Now, India has declared trachoma free. But this was not an easy task. India led to a remarkable commitment to protect its public health by demonstrating free trachoma campaigns and also safeguarding the eye health of citizens by providing various other initiatives. Now, trachoma. से what India का diplomatic power में क्या impact आया? WHO अपलोड किया, WHO ने अपलोड किया इंडिया के इफेक्टिव मेजर्स को अगेंस्ट ट्रकोमा. इट इज़ ऑल्सो वन ऑफ द सॉफ्ट पावर विच इंडिया विल बी यूजिंग फॉर इट्स वेरियस अदर कोलैबोरेशंस. यस, नाउ इंडिया स्टैंड्स विद नेपाल, म्यांमार एंड अदर 19 कंट्रीज विच आर सक्सेसफुली एलिमिनेटेड फ्रॉम ट्रकोमा. यस, एंड 1.9 मिलियन पीपल ग्लोबली आर लीडिंग टू इररिवर्सिबल ब्लाइंडनेस. अब टू कंक्लूड, हम ये देख रहे हैं वी कैन सी इंडिया की जर्नी टू बिकम अ ट्रकोमा फ्री शो केसेस दैट द स्ट्रेंथ ऑफ टीम वर्क इन पब्लिक हेल्थ एंड कम्युनिटी सपोर्ट कैन हेल्प यू टू एलिमिनेट एनी डिजीज टू इंश्योर फ्यूचर जनरेशन कैन एन्जॉय अ गुड हेल्दी लाइफस्टाइल. फर्दर वी कैन ऑल्सो सी देर आर सम अदर डिजीजेज दैट इंडिया ने टारगेट किया है टू एलिमिनेट बाई 2030. अब पहला डिजीज क्या है? दैट इज़ मलेरिया. इंडिया का नेशनल फ्रेमवर्क फॉर मलेरिया एलिमिनेशन है टू रिड्यूस इंसिडेंस ऑफ मलेरिया. और ट्यूबरक्लोसिस है, इंडिया ने नेशनल स्ट्रैटेजिक प्लान बनाया फॉर ट्यूबरक्लोसिस बाय एंडिंग TB, जिसका गोल है TB को एंड करना बाय 2025. एंड ऑल्सो लिम्फैटिक फिलारिसिस को इंडिया को एलिमिनेट करना है बाय 2015, बट विच हैज़ एक्सटेंडेड फर्दर. और इंडिया ने ऑलरेडी बहुत सारे डिजीज़ को एलिमिनेट कर दिया है, उसमें से वेरियस डिजीज है, स्मॉल पॉक्स, यॉन्स, गिनी वर्म. यस, सो नाउ द मिशन इज टू एलिमिनेट डिजीज सच एज ट्यूबरक्लोसिस, मलेरिया, लिम्फैटिक फिलारिसिस एंड अदर डिजीजेस, सो विच कैन ईजिली एंड हेल्पफुल फॉर आर फ्यूचर जनरेशन टू बी एन हेल्थी लाइफ स्टाइल. और ये एक और चीज़ अचीव करेगा जो हमारे प्राइम मिनिस्टर, रिस्पेक्टेड प्राइम मिनिस्टर ने कहा था, द विजन ऑफ स्वच्छ भारत अभियान. यस, एंड ऑल्सो द आयुष्मान भारत अभियान एंड ऑल्सो विकसित भारत 2047 शुड ऑल्सो बी अ हेल्दी भारत. फॉर ए हेल्दी भारत, एक हेल्दी भारत के लिए वी ऑल्सो फर्दर नीड वेरियस अदर एस्पेक्ट्स सच एज न्यूट्रिशन टू द चिल्ड्रेन एंड दैट इज अचीव थ्रू वेरियस स्कीम्स सच एज मिड डे मील स्कीम्स एंड ऑल्सो एंड एक्सेट्रा. सो लेट्स एम्फेसिस ऑन द गोल ऑफ गुड हेल्थ इज द फाउंडेशन ऑफ हेल्दी एंड प्रोग्रेसिव सोसाइटी. सो थैंक यू फॉर द डे.